टेक दिल्ली में आज हम महिलाओं को एजिंग प्रोसेस डिले करने के टिप्स दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं मोटापे को कंट्रोल में रखें और इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि मोटापा समय से पहले ही आप पर एजिंग का लेबल लगा देता है। बॉलीवुड पर ही नजर डालिए, 30-40 साल पार कर चुके जितने भी सफल हीरो हीरोइन हैं, सभी का फिटनेस मंत्र है स्लिम रहना। और एक बार शरीर से मोटापा गायब हुआ नहीं कि हर कोई फिट, कई बीमारियों से दूर और अपनी उम्र से कम लगना शुरू कर देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है वेट लॉस के बाद शरीर में होने वाले विटामिन बी, डी, कैल्शियम और आयरन की कमी को समय रहते पूरा कर लिया जाए। फैट का अपने डिसएडवांटेजेस शुरू होते हैं और हम लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कि काफ़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन है, कि अगर 10 किलोग्राम वज़न किसी भी व्यक्ति का ज़्यादा होता है तो लाइफ 3 साल की कम होती है। काफ़ी सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे मल्टी वाइटामिन, स्पेशली वाइटामिन B12। इसी तरह कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है, वाइटामिन D3 की बहुत कमी पाई जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं और इनको पूरा करना ज़रूरी है। अगर आप इनको पूरा नहीं करेंगे तो आपको बहुत लेथार्जिक रहेंगे, बोनी पेन्स रहेंगी, कमजोरी रहेगी, स्किन लूज हो जाएगा। अपने आप को फिट रखने के लिए जरूरी है समय पर एज मैनेजमेंट की शुरुआत। विशेषज्ञ मानते हैं कि जितनी जल्दी आप अपनी बढ़ती एज की गति को कम करने की कोशिश करेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, कॉस्मेटिक सर्जरी और कुछ खास तरह का खान पान एज मैनेजमेंट में काफी मदद करते हैं। चीज़ होती है, आपको अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई की जाती है और डिटॉक्सिफिकेशन हरी पत्तियों में ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में, जैसे आपकी कोरिएंडर लीव्स हो गई, दैट इज़ धनिया पत्ता, पुदीने का पत्ता, देन टोमेटो फ्रेश जूस, नॉट द स्टोर्ड वन या बॉइल्ड, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे कारण हैं जो आपकी एज को बढ़ाने में अपनी पूरी भूमिका निभाती हैं, जैसे कि फास्ट फूड का लगातार सेवन, व्यायाम का अभाव। विशेषज्ञों के मुताबिक सिगरेट और शराब का लगातार सेवन कब आपकी उम्र को बढ़ाना शुरू कर देता है आपको पता ही नहीं चलता। इसके अलावा तनाव एक और बड़ा कारण है जो आपको समय से पहले ही बुढ़ापा दे देता है। निकोटीन होता है स्मोकिंग में, वो जाके टार बनता है, वो हमारे बॉडी में लंग्स पे डिपॉजिट होता है, स्किन पे डिपॉजिट होता है, स्किन में झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी पड़ती हैं, लंग्स का ब्रीदिंग कैपेसिटी खराब होती है। सिमिलरली ड्रिंकिंग जो होता है हमारे लिवर को ख़राब करता है, और कम से कम 10-15 साल तक अगर आप ड्रिंकिंग रेगुलरली करते हैं तब जाके आपके लिवर में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करना शुरू कर देते। स्ट्रेस और एजिंग का बहुत ही गहरा रिश्ता है। इवन आजकल देखा गया है कि बच्चों को भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि एजिंग का प्रोसेस बड़ी फास्ट 20-25 साल से ही होना शुरू हो गया है। फिर झुर्रियाँ आनी बहुत शुरू हो गई एकदम से, यातायात, बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए और चेहरे पे जो है एकदम से लटक गया है चेहरा, जिसे कहते हैं, ये सब स्ट्रेस के नतीजे हैं। आप भी अपने चाहते हीरो हीरोइन की तरह जवां और युवा बने रह सकते हैं, लेकिन जरूरत है एज मैनेजमेंट को सही समय पर अपनाने की। सही खान पान, आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही हैं, लेकिन साथ ही अगर कहा जाए कि वो अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर जागरूक हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 30-40 साल में भी महिलाएं अब बच्चे को जन्म दे रही हैं, अपनी फैमिली शुरू कर रही हैं और घर और बाहर की जिम्मेदारी बाखूबी निभा रही हैं। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ अनुजैन रोहगी, दिल्ली आज तक। फिट दिल्ली में वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ एक्सरसाइजेस जिससे आप अपने एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं।